Hi guys, welcome back to my channel. So today in 2000 years later. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video I'm reviewing some of the lipsticks, affordable lipsticks. So recently maine Amazon se मैं चेकआउट करी थी बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स. तो जो लिपस्टिक्स की रेंज है वहाँ पे बहुत सारी मैंने देखी, उनके प्राइजेस ना बहुत ज़्यादा कम थे, लाइक अंडर 200 रुपीज़. तो मैं सोचा क्यों ना मैं कुछ लिपस्टिक्स परचेज करके उनका रिव्यू करूँ कि वो रियली मतलब कैसा वर्क करती है, उनकी एप्लीकेशन कैसी है, ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं, कपड़ा प्राइस ऑफ पॉइंट से वो कितना ज़्यादा अच्छा वर्क करती है. क्योंकि मैंने कुछ कुछ लिपस्टिक्स देखी हैं वो 80 रुपीज़ तक भी हैं. सो आई डोंट नो मैनी ऑफ द पीपल थिंक्स कि वो कैसे वर्क करेंगी. तो उन सब के लिए मैं सोचा तो थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ. सो मैंने जो लिपस्टिक खरीदी है मोस्टली इनसाइड ब्रांड ब्लू हेवन्स वगैरह से हैं. लिपस्टिक्स मैं यूज़ करूँगी इनका लिपस्टिक मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी और जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन द वीडियो. तो जो गाइज मैंने फर्स्ट लिपस्टिक वेयर कर रखी है अपने लिप्स में वो मैंने इनसाइड की 01 जॉयफुल यूज़ कर रखी है. तो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आती है, इसकी मैंने आउटर पैकेजिंग तो डिस्कार्ड कर दी, बट ये कुछ ऐसी दिखती है. इसकी जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है और पीछे ना इसकी शेड नंबर लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो. इसका जो एप्लीकेशन वॉन्ड है वो कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत इजी एप्लीकेटर है क्योंकि जिसका वॉन्ड है काफ़ी अच्छे से आपके लिप्स में इजीली ग्लाइड हो जाता है. और मैंने सिर्फ यही शेड मेरे फेस पे ऐसे दिखती है. मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ, स्वॉच करके कैसे दिखेगी, कुछ ऐसे दिखती है टॉफी टाइप ना, कॉफ़ी टाइप इसका शेड है. और जैसे आप इसको अप्लाई करोगे शुरू शुरू में तो आपको लिक्विडी लिक्विडी लगेगी, बट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ये आपके लिप्स पर बिल्कुल ही मैट हो जाएगी, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती. 5 to 6 hours आराम से आपके लिप्स पे स्टे करेगी. अगर आप कुछ खा भी लेते हो तब भी बहुत इजीली स्टे करेगी. और इसका जो प्राइस होगा 90 के अप्रॉक्स था, बट सेल में आपको 86, 75, 60 तक मिल जाता है. नेक्स्ट जो मैंने शेड मंगवाई है वो दोबारा से इंसेक्टिव मैंने बताया था, 14 शुगर प्लम्प है, इसकी भी शेड पीछे लिखी हुई है और ये कुछ मैजेंटा करके कलर है. इसकी वॉन्ड भी सेम ही है, सेम ही रेंज से मैंने मंगवाई है, ऐसे कुछ वॉन्ड है. और इसका जो कलर पे ऑफ है वो ऐसा है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्लम्प प्लम्प कलर है. तो जो उसके डेट्स में लिखा हुआ है ना शुगर प्लम्प, तो ये प्लम्पी प्लम्पी कलर है भी. देखो अभी आप देख सकते हो इसमें कि अभी ये लिक्विड है, ठीक है. अब आप थोड़ी जैसे ही सूखेगी ना बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगी, ऐसे देखो ये ड्राई हो चुकी है, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही. सी भी अभी बिल्कुल बेयर लिप्स है मेरे इस टाइम. सो मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाली, और जो ये पर्टिकुलर शेड है ना 01 14 शुगर प्लम, ये हर एक स्किन टोन पे जाएगी, फेयर मीडियम डार्क कोई भी इसको यूज कर सकता है. ये कुछ ऐसी लिप्स वॉच है, कुछ ऐसा आ रहा है, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है. नेक्स्ट अगेन इन साइड की मेरी लिपस्टिक है, बट ये दूसरी रेंज से है. ये जो उसके लिप ग्लॉस रेंज आता है ना इन साइड का, मैंने उससे मंगवाया. इसका नाम है अलॉन्ग वेयर कलर रिच लिप ग्लॉस और इसका कुछ ब्राउनिश शेड है. इसकी पर्टिकुलर लिप शेड की शेड है 04 और ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में है. जो वाइट कैप के साथ आते हैं ना इसका इन साइड का लिप शेड, वो सारी लिप ग्लॉस की रेंज से आते हैं. और जो ना मुझे इसमें लिप ग्लॉस ऐसा कुछ लगा नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क लगी मुझे. सी लिप ग्लॉस शुड बी मतलब लाइट होना चाहिए ना उसका कलर, तो ये तो लिपस्टिक से भी डार्क शेड है इसका. और मतलब इसको मैंने अप्लाई करती हूँ ना तो बहुत ही स्टिकी फील होता है, तो मुझे इसका ये लिप ग्लॉस रेंज वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. मतलब बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ मैं इससे. लिप ग्लॉस जैसा बिल्कुल इसका टेक्स्चर नहीं है, प्लस बहुत स्टिकी है, बहुत ऐसा लगता है कि लिप्स में नहीं क्या इतना हैवी लगा लिया हो. मैं इसको अब अप्लाई कर रही हूँ, बहुत डार्क, बहुत स्टिकी है, बहुत अजीब सी है. सी इतनी डार्क है ये और इसमें ना बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है.
मुझे इतनी बुरी लगी ना ये, मुझे इसको लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और देखो ना, मैंने पूरे में अप्लाई किया इसको, मैं जितने बार ऐसे कर रही हूँ ना, तो ये फैल रही है, अपनी जगह पे नहीं रह रही। इसकी शेड है पिंक स्पाइस ब्लू हेवन की। मैंने काफ़ी सारी लिपस्टिक्स ट्राई करके देखी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और इनका प्राइस ऑफ पॉइंट लाइक बिलो 100 रुपीज़ ही है। इसकी शेड कुछ ऐसी दिखती है और इसका जो स्वॉच है वो कुछ ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पिंकी 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 न्यूट्रल कलर है इसका। ये बहुत सुंदर कलर है, बहुत मतलब ये पिंकी न्यूट्रल्स में आता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस पर ये नॉन ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है, बट ये तब भी अगर ट्रांसफ़र हो भी रहा है तो आपके लिप्स में थोड़ा काफ़ी देर तक रहेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। नेक्स्ट लिपस्टिक की मैं बात करूँ तो वो ब्लू हेवन की लिपस्टिक्स है, उनकी जो रेंज आई थी बीच में एलिगेंस मैट लिप का, तो ये उसमें से है। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा क्लासी लगती है, बहुत ही अच्छी है लिक्विड लिपस्टिक के हिसाब से, और जो इसका एप्लीकेशन वॉन्ड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो पर्टिकुलर शेड है इसका नंबर है 11, इसमें मेरे ख्याल से 6 to 7 शेड्स हैं, तो इसमें ये सबसे लाइटर शेड है 11। बिल्कुल ये न्यूट कलर है ये, और ये मतलब ये इसका प्राइस भी शायद 110 है, जो कि नियर बाय आपको 100 रुपीज में मिल जाता है इजीली। अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो ये बहुत मतलब लॉन्ग वेयर है, इसका जो लॉन्गेबिलिटी है बहुत ज्यादा है। और ये जो लिप शेड है वो फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे जाएगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन पे ये जो कलर है वो मैच नहीं होगा, दिखता बेशक ये डार्क रहा है बट जब आप उसको अप्लाई करोगे ना तो ये बहुत ही न्यूट टाइप हो जाता है। और ज़्यादातर मैं इस लिप शेड को तभी यूज़ करती हूँ, जैसे मैंने मान लो मैंने कोई डार्क लिप शेड लगा लिया और मुझे उसका कलर लाइट करना है तो मैं उसके ऊपर ये वाला लिप शेड अप्लाई कर लेती हूँ तो लाइट हो जाता है, इसी दिखेगा भी नहीं क्योंकि कुछ लगा रहता है। मैंने जो उसमें ब्लू हेवन की सेम जो शेड रेंज है उसमें से मैंने एक दूसरा शेड भी मंगवा ट्राई किया था 12, जो कि ना मुझे चॉकलेट चॉकलेट कलर जो होता है टॉफी टाइप्स और ब्राउन शेड्स और ब्राउन न्यूड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे कुछ ब्राउनिश शेड में दिखा तो मैं सोचा इसको भी ट्राई कर लेती हूँ। अगेन जैसा ये दिखता है ना वैसे एप्लीकेशन में है नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ ब्लैकिश ब्लैकिश सा लग रहा है, ब्लैकिश ब्राउन तो बड़ा बेकार है, पर आप इसको अप्लाई करोगे तो थोड़ा डिफरेंट है ये। ये कितना लगता फर्क है इसकी उसकी बॉटली कलर में। गाइस दीज शेड्स आर नॉन ट्रांसफर, वो बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होती, जैसे आप मतलब इसको अप्लाई करोगे इसको ड्राई होने दो उसके बाद बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होती। आपकी जैसे मान लो आपने कोई बुलेट लिपस्टिक्स लगाई है जो कि क्रीमी मैट नहीं है और इसकी जो वो नॉन ट्रांसफर प्रूफ है, तो अगर इसके ऊपर ये भी कोई सा भी शेड लगा लोगे ना तो वो लिपस्टिक को भी नॉन ट्रांसफर बना देगी। नेक्स्ट मेरे पास दो लिपस्टिक्स बची हैं, दोनों ही मेरी फेवरेट लिपस्टिक हैं इस पूरे हॉल में या पूरे रिव्यू सेशन में, बहुत मेरी बेस्ट लिपस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट है ये निका के की मैट मी ट्रू मैट लिपस्टिक्स, इसकी जो मैंने ये जो बॉटल है मैं आई थिंक मेरी थर्ड बॉटल है इस लिपस्टिक की, और एक जो एक लिपस्टिक है ना अप्रॉक्स 1 ईयर तक चल जाती है क्योंकि मैंने रोज़ लगाती हूँ, मैं मतलब रोज़ मैं ये शेड यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी लिपस्टिक इतनी अच्छी सूट करती है ना ये वाली, मतलब ये पर्टिकुलर कलर है जो टर्किश रोज मेरे फेस मेरी स्किन टोन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका एप्लीकेशन कुछ ऐसा है, वॉन्डी है, बहुत इजी एप्लीकेशन है इसका, मैं यहाँ स्वॉच कर रही हूँ, इसका कलर कितना ज़्यादा प्यारा है ये देखना, अभी तक नहीं सूखी पर ये देखो कितनी ज़्यादा प्यारा कलर है। लास्ट
लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई गॉट दिस नायका लिपस्टिक, नायका लिक्विड लिपस्टिक जो कि इनकी न्यूली लॉन्च लिपस्टिक्स हैं. सो मैंने इस पर्टिकुलरली लिप जो शेड मंगवाया है वो है सुपर मॉम. इसकी जो क्वांटिटी है 2.1 ml है और जो इसका ये सबसे मतलब पूरे रिव्यू सेशन में ये सबसे महंगी लिपस्टिक है जिसका वो 350 अराउंड है. बाकी सारी लिपस्टिक इससे कम रेंज में ही थी. मतलब इतनी अच्छी वॉन्ड मैंने कभी किसी लिपस्टिक की नहीं देखी. सी इसकी जो वॉन्ड है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतनी बढ़िया है. मतलब इतनी कंफर्टेबली ग्लाइड होता है लिपस्टिक आपके लिप्स पे. और ये जो पर्टिकुलर कलर है ये मैंने रैंडम पिक किया था, ये ऑरेंज शेड है कुछ. आई नेवर ट्राइड दिस बिफोर क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे पे कैसे लगेगा. भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे बहुत अच्छी शेड लगी. और ये इसकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. अब देखो ड्राई हो गई, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और बिल्कुल भी ट्रांसफ़र. ये तो दूसरी लिपस्टिक है, मैंने यहाँ पे यहाँ कर देती हूँ. सी बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करेगी आपकी, कहीं भी नहीं जाएगी. उसकी लॉन्गेविटी बहुत ज़्यादा है. तो अब इसको मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप परचेज़ करो. और ये पूरे रिव्यू सेशन में मेरी फेवरेट लिपस्टिक है ये वाली और ये निका के की वाली लिपस्टिक. ये दोनों वर्ल्ड बाइंग लिपस्टिक्स हैं अगर आप नियर बाई 200 प्लस में परचेज करना चाहते हो. तो यार गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर आपको मेरा ये रिव्यू सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन है उसको प्रेस करना, उसको प्रेस करना मत भूलना. सो अगर आपके माइंड में कोई और आइडिया है कि मैं किसी और का रिव्यू करूँ या कोई और वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स डाउन करके बताओ. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. ओके बाई.